अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन अफगानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये भी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी नहीं ज़रूरत है और ये बहुत ही कम वक्त में बन जाती है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ले ली है, हैंडफुल कोरिएंडर है, थोड़े सा लहसुन लिया है, थोड़ा अदरक है, 7 to 8 ग्रीन चिलीज़ है और मैंने 10 से 12 काजू ले लिया है और इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है अच्छे से। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप मलाई ली है और 1/2 कप मैंने कर्ड लिया हुआ है। एक बाउल ले लिया है, इसमें अभी हम ऐड करेंगे 750 ग्राम चिकन और ये वही मसाला है जो हमने पीस लिया है। और ये मैंने दही और मलाई के मिक्सन को भी ग्राइंडर में मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हो और हमें इन्हें मिक्स कर देना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से तो हम इसे 10 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। टेन मिनट्स के बाद हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए मीडियम हीट पे। और यहाँ पर हम सारे चिकन्स को ऐड कर देंगे इसके अंदर और दोनों साइड से हम इसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर होने तक। इस तरह से आप इसे अच्छा एक गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है चिकन के ऊपर। बाकी के पीसेस को भी हम ऐड कर देंगे इसमें और इसे भी हम दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। ये मैं हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। हमें इसमें गोल्डन कलर ही लाना है क्योंकि चिकन को हमें बाद में भी पकाना है। तो इस तरह से इसे मैंने बना लिया है। अभी मैंने सेम ऑयल है वो कढ़ाई में ले लिया है। अभी हम इसमें 3 इलायची और 3 लौंग ऐड कर देंगे और ये हमारे वही मसाले जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, इसे भी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम पका लेंगे। मीडियम हीट में आपको इसको पकाना है और एक अच्छा सा बॉयल आने तक इसे आप पका लीजिए। ये देखिए, इसमें एक बॉईल आ चुका है। तो अभी हम इसमें हमारे फ्राइड चिकन को ऐड कर देंगे। सारे चिकन को ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए और अभी हम इसे ढक के पकाएंगे 10 मिनट्स के लिए। दस मिनट के बाद आपकी ये ग्रेवी इस तरह से थिक हो जाएगी। इसमें आपको पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रोटी, नान और राइस के साथ सर्व कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे से तेल भी सरफेस पे आ गया है और हमारी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और साथ ही में अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।